जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन का जो पेपर है ये 26 सितंबर से स्टार्ट है और ऑलमोस्ट आपके पास अब 3 से 4 दिनों का समय बच चुका है। स्टूडेंट की काफ़ी ज़्यादा क्यूरी जा रही थी स्पेशली 2-3 चीज़ों के रिगार्डिंग कि अब फिलहाल हमारे पास टाइम बहुत कम बच चुका है, तो एट द लास्ट मोमेंट लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर हम क्या क्या स्टडी करें, क्या क्या देखें। तो इसी सिलसिले में दोस्तों आज के जो वीडियो है मुझे फेस टू फेस आपके सामने बनाना पड़ रहा है ताकि आपके मन से जो भी इस चीज़ के रिगार्डिंग डाउट्स हो क्लियर हो जाए, स्पेशली करंट अफेयर्स वगैरह के रिगार्डिंग। सबसे पहले दोस्तों आपका ये जो पेपर है इसमें आपके टोटल 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन में आपका सबसे पहला 25 सेक्शन है, आपका जीके जीएस का 25 है, रीजनिंग का 25 है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 25 है, आपका हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल कोई है, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके 100 जो क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स कैरी करेंगे और इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में वो ये है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये एक एक्स फैक्टर हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर निगेटिव मार्किंग रहता तो हो सकता था कि आपका कट ऑफ जो है वो कम जाए, लेकिन निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका कट ऑफ जो है डेफिनेटली हाई जाएगा। तो इस वजह से आपको ट्राई करना है कि आपको इस पेपर के अंतर्गत मैक्सिमम स्कोर करके ही आना है, ठीक है। अराउंड अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ तो आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं आपके रीजनिंग में, ठीक है, रीजनिंग की अगर बात करें तो जीके जीएस और रीजनिंग में कुछ जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे रीजनिंग में आपको सबसे पहले ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है जो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। ये जितने भी टॉपिक्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, रैंकिंग हो गया, ठीक है, डायरेक्शन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट के रोल प्ले करने वाले हैं 100% श्योर, ठीक है। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए जो मैथ वाले हो गए, मैथ वाले में देख लीजिए, मैथ वाले में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन फिक्स है कि ये क्या 2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा रेशियो हो गया, एवरेज इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा आपको जो इंपॉर्टेंट है पढ़ करके जाना है वो स्पेशली मैथ में जो मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई है, ठीक है, आपको जो पीडीएफ मैंने दिया है 39 रुपीज़ के अंतर्गत, जो आप मेरा स्क्रीन के ऊपर ये पीडीएफ देख रहे हो, इस पीडीएफ में जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स कवर करवाए गए हैं, अगर आप इसका एग्जांपल एक बार अगर सॉल्व कर लेते हो आप, तो यकीन मानो कि आपका जो है मैथ का जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ दोस्तों केवल 39 रुपीज़ के अंतर्गत अवेलेबल है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो भी सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन के फॉरमैन पोस्ट की वैकेंसी का एग्जाम देने वाले हैं। जिनको भी ये पीडीएफ लेना है सिंपली आपको व्हाट्सअप पे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना और लिखना है हाय सीआईएसएफ करके आपको मैसेज करना और वहाँ पे आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी कि आपको पीडीएफ कैसे प्रोसेस करनी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके जीके जीएस का, बहुत ज़्यादा ये आ रहा था कि जीके जीएस में सर हम पढ़े तो पढ़े क्या, ठीक है। तो जीके जीएस का बेसिकली जो है आपका करंट अफेयर्स में स्टूडेंट पूछ रहे थे करंट अफेयर्स में क्या देखें। करंट अफेयर्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको देखना है कि एम्प्लॉयमेंट्स, जो नियुक्तियाँ हाल ही में की गई हैं उन सारे नियुक्तियों को पढ़ लेना है, जैसे कि आपका सीआईएसएफ का चीफ कौन है, एयरफोर्स चीफ कौन है, एयर मार्शल कौन है, ठीक है, आपका अभी मंत्री लोग कौन कौन सा है, किस किस विभाग का, ये आपको देख लेना है। इसके अलावा आपका दोस्तों लेटेस्ट जो है आपका मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज जितने भी ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाए गए हैं अदर विदेश में भी, तो ये सारा आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके अलावा इंडिया की जो रैंकिंग है डिफरेंट इंडेक्सेस में ये आपको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्पोर्ट्स से क्वेश्चन रहेगा जीके जीएस में, जैसे कि किसी खिलाड़ी का किससे संबंध है, ठीक है, जो ट्रॉफी हो गया जैसे संतोष ट्रॉफी वगैरह हो गया इसका संबंध किस खेल से है। इसके साथ में आपकी हिस्ट्री से क्वेश्चन, आपके वार से जितने भी युद्ध हुए हैं, जैसे आपको पूछ दे कि बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपका हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक, तो हिंदी इंग्लिश आप चूज करोगे तो मोस्ट है कि आपका जो हिंदी इंग्लिश है ऑलमोस्ट सेम ही सारे टॉपिक्स रहेंगे, लेकिन उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सिनोनिम्स एंटोनिम्स, यानी आपका हिंदी में समानार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द और आपका विलोम शब्द, ठीक है, एंटोनिम्स। इसके अलावा आपका समास हिंदी में हो जाएगा, ठीक है, आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मतलब जो आपका बेसिक सिलेबस है 10th का जीडी लेवल का, ऑलमोस्ट जीडी लेवल के ही क्वेश्चंस आपके इस पेपर में आएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस पेपर के अंतर्गत आपका जो सेफ स्कोर, एक तरह से कहें कि सेफ स्कोर की जो बात है कि सेफ स्कोर कितना है, तो सेफ स्कोर इस पेपर के अंतर्गत अगर आप 75+ कर करके आ रहे हो तो यकीन मानो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन के चांस है, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके पेपर का पैटर्न, पेपर का लेवल, पेपर के टफनेस के ऊपर, ठीक है। तो
तो दोस्तों इसके साथ में जो भी कैंडिडेट्स इस पेपर को देने वाले हैं, तो आप सभी लोगों के लिए जो मैंने बताया कि सभी सब्जेक्ट्स की आपके जीके जीएस रीजनिंग मैथ हिंदी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ दोस्तों ओनली 39 रुपीज के अंतर्गत अवेलेबल है। तो जिन भी कैंडिडेट्स को ये पीडीएफ लेनी है तो आपको सीधे सीधे इस नंबर पर 9006913446 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है, और व्हाट्सअप करने के बाद लिखना है हाई सीआई से, पर वहाँ से डिटेल्स मिल जाएगी आपको कि आप कैसे प्रोसेस कर सकते हो। यकीन मानो आपके पास समय कम है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हो तो इस पेपर में आप आराम से 60-70, 70-80 आराम से कहो कि आप उसको कर लोगे। तो आई होप दोस्तों कि सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, धन्यवाद, जय हिंद।